हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ। गाइस, आप सबका स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाइस, मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से हरिया नेचुरल के हेयर रिमूवल पाउडर को क्यों ट्राई किया, जबकि मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। गाइस, पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हरिया नेचुरल। दे कॉल्ड मी अप आफ्टर दैट वीडियो एंड टोल्ड मी दैट, यू नो, आपका एक्सपीरियंस इतना बुरा कैसे हो सकता है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेंड यू 5 मोर पैकेट्स ऑफ हरिया नेचुरल। यू ट्राई इट विथ मिल्क, नॉट विथ वाटर। यू ट्राई इट विथ मिल्क एंड योर एक्सपीरियंस विल बी गुड। तो मैंने बोला ठीक है, लेट मी गिव इट अ शॉट, बिकॉज ऑब्वियसली एक ब्रांड से कॉल आया है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं निकलेगा, आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड ऑल्सो आई विल नॉट रिमूव द पहले वाला वीडियो, बिकॉज उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो उसका आंसर था कि ठीक है, आप मत रिमूव करिए, हो सकता है वो जो पैकेट आपको मिला था उस वो खराब था, अदरवाइज मेरे हमने हरिया नेचुरल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। देन आई गॉट दीज मैनी पैकेट्स, आई विल जस्ट शो यू। ये है हरियर रिमूवल पाउडर का लैवेंडर फ्रैगनेंस, दे हैव गिवन मी वन, दिस इज रोज फ्रैगनेंस, दिस इज मोगरा फ्रैगनेंस, दिस इज सैंडलवुड एंड दिस इज द नॉर्मल वन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा यहाँ पे। सो इतने सारे फ्रैगनेंस मुझे मिले एंड आई देन ट्राइड इट द वे दे टोल्ड मी, मिक्सिंग इट विथ मिल्क, एंड आई विल नाउ शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। प्लीज स्टे ट्यून। सबसे पहले मैं पैकेजिंग दिखा देता हूँ। देखिए, इस बार पैकेजिंग में थोड़ा सा चेंज भी है। जब आप इस पैकेजिंग को निकालते हैं, इस तरह से प्लास्टिक कवर को जब निकालते हैं, आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। ये देखिए, वाइट कलर का एक पेपर है, इसमें ब्रांड ने अब यूज़र मैनुअल दिया है। देखिए, हरिया नेचुरल वैक्सिंग पाउडर, इसमें स्टेप्स टू यूज़, प्रिकॉशंस, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरीके से दिया हुआ है। देखिए, इस बार 5 वेरियंट्स हैं। तो सबसे पहला वाला जो वेरियंट है वो है सैंडलवुड वेरिएंट, उसके बाद है नॉर्मल वेरिएंट, उसके बाद है रोज़ वेरिएंट, उसके बाद है मोगरा और उसके बाद लैवेंडर। तो हम इस पे एक यूज़र मैनुअल भी है, तो इसको फॉलो करके आप लगा सकते हैं। इस बार ब्रांड ने मुझे जैसे सजेस्ट किया था कि मिल्क यूज़ करना है, तो मैंने मिल्क यूज़ किया है। ये देखिए, एक कटोरी मिल्क है, इसमें मैं 1 चम्मच से 2 चम्मच मिल्क लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ। मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ रोज़ फ्लेवर। रोज़ फ्लेवर ऑब्वियसली मुझे थोड़ा पसंद भी है, और जब आप इस डब्बे को खोलते हैं तब एक रोज़ फ्रैगनेंस आपको मिलता है। देखिए, पाउडर सेम ही है, कलर जो है वो सेम है, बट फ्रैगनेंस अलग अलग है। जो जैसा आपको पसंद है ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं 1 चम्मच लेके दूध में मिला दूंगा इस तरह से, और थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लूँगा। देखिए, ये जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इसको आप थोड़ा फ्री फ्लोइंग ही रखिए। मिल्क के वजह से ये थोड़ा सा क्रीमी पाउडर मिक्स बनेगा, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। सो ये जो पेस्ट है, देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा भी है और थोड़ा सा फ्लोइंग भी है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और ऐड करना चाहिए दूध, तो कर सकते हैं। ये देखिए, क्रीमी टेक्स्चर है अब इसका, इसको आप अपने बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं 2 मिनट इस तरह से रखने के बाद। एप्लीकेशन में मैं आपको चेस्ट के बाल रिमूव करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं मेरे चेस्ट में बाल हैं, बिकॉज लास्ट टाइम कैमरे में नहीं दिख रहा था, तो आई मेड श्योर कि इस बार आपको ठीक से दिखे। इस पेस्ट को आप अच्छे से अपने फिंगर्स के मदद से या फिर एक ब्रश के मदद से भी अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। देखिए, इस बार लगाने के बाद मुझे जलन नहीं हुई है, तो आई कैन से दैट दिस ब्रांड, दिस प्रोडक्ट इज़ गुड। सो बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट अप्लाई कर लीजिए। इस तरह से देखिए, मैंने अप्लाई कर लिया है जहाँ जहाँ के बाल आपको रिमूव करने हैं। बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है, और 5 मिनट बाद, ये देखिए 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई हुआ है, बट मैं इसको और 5 मिनट रखूँगा, सो टोटल 10 मिनट्स रखूँगा। देखिए, 10 मिनट्स बाद बाल ऐसे ही निकल आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे, व्हेन आई एम डूइंग अ सर्कुलर मोशन के ऐसे मसाज, देखिए बाल निकल आ रहे हैं उस जगह से। ये देखिए, आप थोड़ा सा अपने हाथों से ही पहले मसाज करके बालों को रिमूव कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से
अब मैं एक टॉवल लेके, वेट टॉवल लेके इस तरह से रिमूव करूंगा अपने सारे बालों को। ये देखिए, इस तरह से देखिए सारे बाल रिमूव हो रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस बार अच्छा लगा और ये हेयर रिमूवल पाउडर बहुत अच्छा काम किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो नाउ आई विल टेक बाथ। अच्छे से आप उस जगह को धो लीजिए इस तरह से, और मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स अब दिखाता हूँ। देखिए फाइनल रिजल्ट्स, देखिए एकदम साफ हो गया है उस जगह से बाल। एज यू कैन सी, मेरा एक्सपीरियंस दिस टाइम वॉज गुड विथ हरिया हेयर रिमूवल पाउडर। यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिकॉज इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो है मिल्क। मिल्क आपके स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अगर आप मिल्क के साथ यूज़ करेंगे तो आपका स्किन ज़्यादातर मॉइस्चराइज रहेगा, जो कि अदर हेयर रिमूवल क्रीम या फिर हेयर रिमूवल पाउडर में नहीं होता है। येस, यू हैव टू अप्लाई इट विथ मिल्क। अगर मिल्क आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क के साथ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन में देखा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कॉमेंट है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे नीचे कमेंट सेक्शन पे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।